आठ दो। शब्द पुरलिंग, मूषिका चूहा, काका कौवा, शावका बच्चा या लड़का, निवार कणा धान का कर्ण या सूजी का दाना, मार्जार बिडाल बिल्ला, कुकुरा कुत्ता, व्याघ्रा शेर, महर्षि बड़ा ऋषि, क्रोड़ा गोद छाती। नपुंसक लिंग, तपोवनम तप करने का स्थान, स्वरूपम अपना रूप, स्वरूपाख्यानम अपने रूप का आख्यान, आख्यान मतलब कथा चरित्र। सन्निधानम समीप विशेषण, भ्रष्ट गिरा हुआ, अकीर्तिकर बदनामी करने वाला, दृष्टा देखा हुआ, वर्धित पाला बढ़ाया हुआ। सभ्यथम दुख के साथ क्रियापद। धावती दौड़ता है, विवेश घुस गया था, संवर्धित पाला हुआ, वर्धिता पाली बढ़ाई। पलायते भागता है, बदन्ति बोलते हैं, पलायिष्यते भागेगा, भव हो बन जा। विभेषी डरता है तू, प्रभिवेश घुस गया, विभेति डरता है वह, आलोक्यति देखता है वह, विभेमी डरता हूँ मैं, आलोक्यामी देखता हूँ मैं। धातु साधित, खादितुम खाने के लिए, आलोक्य देखकर, दृष्टवा देखकर, जीवित्यम जीने योग्य विशेषण जीना चाहिए। स्त्रीलिंग, कीर्ति यश नाम, व्याघ्रता शेरपन, अकीर्ति बदनामी। इतर अलिंग अथवा अव्यय, पश्चात पीछे से, इदम यह यावत जब तक, द्रुतम सत्वर या जल्दी, ताबत तब तक, विलंबितम देरी से। विशेषणों का उपयोग और उनके लिंग। दृष्टम तपोवनम वर्धित वृक्षा, दृष्टा नगरी, वर्धिता लेखमाला, रष्टा मनुष्या, वर्धितम कमलम, भ्रष्टा पुरुषा, अकीर्तिकरा उद्यमा, भ्रष्टा स्त्री, अकीर्तिकरी कथा, भ्रष्टम पात्रम, अकीर्तिकरम आख्यानम, पालिता पुत्रा, रक्षिता बालका, पालिता पुत्रिका, रक्षिता पुष्पमाला, पालितम गृहम, रक्षितम जलम, शुद्ध विचारा, पवित्र मंत्रा, शुद्ध बुद्धि, पवित्र स्त्री, शुद्धम चरित्रम, पवित्रम पात्रम, गता सूर्य, आगता जना, गता रात्रि, आगता अध्यापिका, गतम नक्षत्रम, आगतम पुस्तकम, प्राप्ता ग्रीष्मकाला, बक्षिता मोदिका, प्राप्तम यौवनम, पुष्पिता वाटिका, प्राप्तम वार्धकम, भक्षितम फलम। पूर्वोक्त शब्दों में मूषिका, शाबका, काका, बिडाला, मार्जार, कुकुरा, व्याघ्रा इत्यादि अकारांत पुरलिंग शब्द हैं और उनके रूप में पूर्वोक्त देव, राम आदि शब्दों के समान होते हैं। पाठक इन शब्दों के सब रूप लिखें और उनका उक्त रूपों के साथ मिलान करके ठीक करें। भ्रष्टा, दृष्ट, संवर्धित, सभ्यथा इत्यादि शब्द भी अकारांत पुरलिंग विशेषण होने से देव राम की ही तरह चलते हैं। विशेषणों का स्वयं कोई लिंग नहीं होता, ये विशेष्य के लिंग के अनुसार होते हैं। तो जैसे पीछे हमने ये पढ़े थे ना विभक्तियाँ, जैसे ये है काल की है और ये राम की, ये दी है राम की पढ़ी थी और इधर देव की पढ़ी थी, तो यही बता रहे कि इसी प्रकार ये बनेंगी। ठीक है, जैसे हमने राम की और देव की पढ़ी हुई है वैसे ही बनेंगी ये। अब कुछ वाक्य हैं संस्कृत में है, इनकी इधर हिंदी दे रखी है। अस्ति गंगा तीरे हरिद्वारम नाम नगरम, है गंगा के किनारे पर हरिद्वार नामक शहर। अस्ति है गंगा तीरे, गंगा के किनारे पर, हरिद्वारम हरिद्वार नाम का नगरम नगर। अस्ति महाराष्ट्र मुंबापुरी नाम नगरी, है महाराष्ट्र में मुंबई नामक शहर। बिडाला मूषिकम खादती, बिडाला बिल्ला मूषक चूहे को खादती खाता है। व्याघ्रा वृषभम खादितुम धावती, व्याघ्रा शेर वृषभम बैल खादितुम खाने के लिए धावती दौड़ता है, शेर बैल को खाने के लिए दौड़ता है। बिडाला कुक्रम दृष्टवा पलायते, बिल्ली कुत्ते को देखकर भागता है। ठीक है, बिल्ला कुत्ते को देखकर भागता है।
पुरुषा व्याघ्रम दृष्ट्वा बिभेति पलायते चा, वह पुरुष शेर को देखकर डरता है और भाग जाता है, भागता है। ऋषिणा मूषका व्याघ्रता नीता, ऋषि ने चूहे को व्याघ्र बना दिया। मुनिना व्याघ्रा मूषकत्वम मूषकत्वम नीता, मुनि ने व्याघ्र को चूहा बना दिया। सा मुनि अचिंत्यत, वह मुनि सोचने लगा। सा पुरुषा सभ्यथा अचिंत्यत, वह पुरुष कष्ट के साथ सोचने लगा। सभ्यथा कष्ट के साथ। इन वाक्यों में कई बातें ध्यान में रखने योग्य हैं जो अभी हमने पढ़े। संस्कृत में कथा के आरंभ में अस्थि आदि क्रिया के शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, जिनका हिंदी में वाक्य के अंत में अर्थ दिया जाता है। जैसे वाक्य के अंत में हिंदी में लगाते हैं और इसमें अस्थि पहले लगा दिया। संस्कृत में अस्थि गौतमस्य तपोबने कपिलो नामा ना कपिलो नाम मुनि, हिंदी में गौतम के आश्रम में कपिल नामक मुनि रहते हैं। संस्कृत में यह वाक्य रचना ललित अच्छी समझी जाती है। नियम, किसी शब्द के साथ त्व अथवा ता शब्द जोड़ने से उसका भाववाचक शब्द बनता है। जैसे वृद्ध बुढ़ा, वृद्धत्वम बुढ़ापन, मूषिका चूहा मूषकता चूहापन, पुरुषा मनुष्य पुरुषत्वम पुरुषपन, पशु जानवर हैवान पशुत्व पशुता हैवानपन। नियम मतलब एक वो बन जाएगा, जैसे वृद्ध है, वृद्ध के आगे तुम लगाने से पन, एक जीवन की एक चीज बता देंगे, एक व्यवहार बता देंगे। ठीक है, पशु तो जानवर को हो गया, पशुत्व मतलब पशु जैसा है, पशु जैसा व्यवहार करने वाला, पशुता पशु की तरह हैवानपन। ठीक है, नियम, विशेषण को कोई अपना लिंग नहीं होता, विशेष के लिंग के अनुसार ही विशेषण के लिंग बनते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, भ्रष्टा पुरुषा भ्रष्टा स्त्री भ्रष्टम पुष्पम, दृष्टा पुत्रा दृष्टा नगरी दृष्टम पुस्तकम, संवर्धित वृक्षा सभ्यथा व्याघ्रा, संवर्धिता कीर्ति सभ्यथा नारी संवर्धितम ज्ञानम सभ्यथम मित्रम। इसी प्रकार अन्य विशेषणों के संबंध में भी जानना चाहिए। अब हितोपदेश नामक ग्रंथ से एक कथा यहाँ दी जा रही है। पूर्वोक्त शब्द और वाक्य जिन्होंने याद किए होंगे वे पाठक इस कथा को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे, इसलिए पाठक हिंदी में दिया हुआ अर्थ बिना देखे केवल संस्कृत पढ़कर ही अर्थ करने का प्रयत्न करें। जब संपूर्ण कथा का अर्थ हो जाए तो संपूर्ण पाठ को याद करें और इसके पश्चात हिंदी में वाक्य देखकर उनकी संस्कृत बनाने का प्रयत्न करें। मुनि मूषकयो कथा, मुनि और मूषक चूहे की कथा। अस्ति गौतमस्य महर्षे तपोवने महातपा नाम मुनि, गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नामक मुनि रहते हैं। तेन आश्रम सन्निधावने मूषक शावका काक मुखाद भ्रष्टा दृष्ट, उसने आश्रम के पास कौवे के मुख से गिरा हुआ चूहे का बच्चा देखा। तथा सा स्वभाव दयात्मना तेन मुनिना निवार करे संवर्धिता, तत्पश्चात उस बच्चे को जो गिरा उसको स्वाभाविक दया भाव से प्रेरित होकर ततो बिडाला तम मूषिकम खादितुम धावती, प्रेरित होकर मुनि ने धान के कणों को खिलाकर पाला। अब बिल्ला उस चूहे को खाने के लिए दौड़ता है, मतलब जो चूहे का बच्चा था वो कौवे के मुंह से गिरा, उसको मुनि ने धान के कणों को खिलाकर पाला, लेकिन अब जो बिल्ला है वो उस मूषक को खाने के लिए दौड़ता है। तम अवलोक के मूषिका तस्य मुनि क्रोध प्रभिवेश, उस बिल्ले को देखकर चूहा उस मुनि की गोद में आ घुसा। ततो मुनिना उक्तम, तो मुनि ने कहा, मूषक तुम मरजारो भव तथा सा मरजारो जा, चूहे तो बिल्ला बन जा, सो वह बिल्ला बन गया। पश्चात सा बिडाला कुक्रम दृष्टवा पलायते, अब वह बिल्ला कुत्ते को देखकर भागने लगा। ततो मुनिना उक्तम कुकुराद विभेषी तुम एव कुकुरो भव तदा सा कुकुरो जाता, तब मुनि ने कहा, कुत्ते से तू डरता है तो कुत्ता ही बन जा, तो वह कुत्ता बन गया।
सा कुकुरो व्याघ्रात विभेति तथा तेन मुनिना कुकुरो व्याघ्रा कृत। अब वह कुत्ता व्याघ्र शेर से डरने लगा, तो मुनि ने क्या करे कुत्ते को व्याघ्र शेर बना दिया। अथ व्याघ्रम अपि तम मूषिका निर्विशेषम पश्यति सा मुनि। अब मुनि व्याघ्र को भी चूहे सा ही देखता है, मतलब वो व्याघ्र बन गया, उसको देखता है कि ये चूहे सा है। अथ तम मुनि व्याघ्रम चा दृष्ट्वा सर्वे वदन्ति अनेन मुनिना मूषको व्याघ्रताम। अब वह मुनि और शेर को देखकर सब कहने लगे इस मुनि ने चूहे को शेर बना दिया। एतत् श्रुत्वा सा व्याघ्रा सब यथो अचिंत्यत यावद अनेन मुनिना जीवत्यम तावत इदम मे स्वरूपाख्यानम अकीर्तिकरम न गमिष्यति यति आलोच्य सा मुनि हंतु गता। यह सुनकर वह शेर दुख से सोचने लगा जब तक मुनि जिंदा रहेगा तब तक यह अपमान करने वाला मेरा रूप की कहानी नहीं खत्म होगी। यह सोचकर वह मुनि को मारने के लिए चला। ततो मुनिना तथा ज्ञात्वा पुनः मूर्षको भव इत्युक्ता मूषिका एव कृता। इस पर मुनि ने फिर चूहा बन जा कहकर उसे फिर से चूहा ही बना दिया। हितोपदेशात हितोपदेश। इस कथा में आए हुए कुछ समास इस प्रकार हैं। आश्रम सन्निधानम आश्रमस्य सन्निधानम आश्रमस्य समीपम इत्यर्था। मूषक शाबका मूषिकश्च शाबका। काक मुखम काकस्य मुखम निवार कड़ा निवारान निवाराणाम कड़ा निवाराणाम धान्य विशेषणाम अंशा। व्याघ्रता व्याघ्रस्य भावा व्याघ्रता व्याघ्रत्वम इतर्थ्य मूषिकत्वम मूषिकस्य भावा सभ्यता व्यथया सहिता सभ्यत दुखेन युक्ता इत्यर्थ। स्वरूपाख्यानम स्वस्य रूपम स्वरूपम स्वरूपस्य आख्यानम स्वरूपाख्यानम स्वरूप यथा इत्यर्थ। Thank you.